हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके क्लास 11th के पोल साइंस के टर्म वन का सिलेबस। ठीक है, समाज विज्ञान का सिलेबस बताने वाला हूँ मैं आपको। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर अब क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बता दिया। देखो, पहले मेरे को लगा कि बच्चे समझ जाएंगे, बट मैक्सिमम बच्चे जो है वो सिलेबस को समझने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 1 अपलोड कर चुका था, ओके, और उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 2 की एक वीडियो डाली, तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर चैप्टर 2 तो सिलेबस में है ही नहीं। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव करवाना चाहिए था, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, फर्स्ट टर्म का सिलेबस ख़त्म। आप ये चैप्टर नंबर 2 क्यों अपलोड कर रहे हो, ये बच्चे मेरे से पूछ रहे थे। देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई और भी बच्चा ऐसी गलती करे तो उसको समझा देना। देखो, पहली बात तो ये आपको पता है कि ये आपका आया था, एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बता रखा था कि आपका क्लास 11 के टर्म 1 का सिलेबस जो है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव और लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में, और ये सेकंड बुक का है पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें इंट्रोडक्शन है, राइट्स और डेवलपमेंट। ठीक है, और ये 40 मार्क्स का होगा। यहाँ तक क्लियर है सारी की सारी बातें। अब मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि सर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो चैप्टर नंबर 1 ही है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई या वाई एंड हाउ, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, इससे पहले CBSE ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उसने सारे का सारा सिलेबस बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या क्या। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो नोटिफिकेशन। देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है CBSE की जिसमें उसने बताया था सिलेबस। अब ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। अब आप इसमें देखो, कॉन्स्टिट्यूशन द फिलॉसफी एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, ये सारी का सारा। और यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि चैप्टर नंबर 1 में है। चलो, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 खोल के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। अब देखो, क्या इसमें लिखा है फंडामेंटल राइट्स, नहीं है, यहाँ पर नहीं मिला हमें फंडामेंटल राइट्स, यहाँ नहीं है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखा है, इसको फंडामेंटल राइट्स मत समझ लेना। ठीक है, अब नीचे था वो शायद, ये स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट का कोई मेजर टॉपिक है नहीं, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में बात करिएगा, मतलब ये वर्ड है फंडामेंटल, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं, फंडामेंटल 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 फंडामेंटल, आप पूरा चैप्टर खोल लोगे ना तब भी आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक ही नहीं है, ये टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 में है जिसका नाम ही राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको दिखाऊंगा, और ऐसे मैं आपको सिर्फ ऐसे हवा में नहीं छोड़ रहा, मैं आपको इसलिए सारी की सारी चीज़ें शो कर रहा हूँ कि बच्चों को ये डाउट ना रहे। ये देखो, सबसे पहले तो फंडामेंटल बिल ऑफ राइट्स में ही नीचे की तरफ, ये देखो फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद बिल्कुल अलग से टॉपिक दे रखा है, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और आप नीचे आओगे तो नीचे आपको पूरे के पूरे वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड अदर फ्रीडम वगैरह वगैरह दे रखा है, ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वही हमारे क्या कहते हैं उसको, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ओके। और ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला, ये सारा का सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ओके। अब इसमें ये देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये मैंने चैप्टर नंबर 2 खोल रखा है, जबकि हमें लगता है कि हमारे चैप्टर नंबर 1 में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पहले से ही है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको सिलेबस देखना है। आप इस चीज़ की टेंशन मत लो कि मैं जो करवा रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है। मैं वीडियो बनाने से पहले 4 बार सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को नोट्स बनाने पड़ते हैं, और मेरे को पता है अगर मैं ज़्यादा टाइम नोट्स बनाने में लगाऊंगा तो वो नोट्स सही होने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो टॉपिक कट जाए। तो मैं बहुत अच्छे से देखकर सारी की सारी वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो ये जो है चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिट, इसमें चैप्टर 1 का भी पोर्शन है और चैप्टर 2 का भी पोर्शन है, और चैप्टर 2 का मेजर पोर्शन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स में तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने चैप्टर 2 पहले स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक आप मत करना, ये मत समझना कि सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं, आप इसको सिर्फ 3 चैप्टर के अकॉर्डिंग मत लो। ठीक है, आप इसको ये समझो कि टॉपिक जो लिखे हुए हैं क्या वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे समझ आ गई हो। और मैं एक और बात बता दूं आपको, मैं चैप्टर नंबर 1 जो है पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अब मेरा ना आपसे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को आपसे पूछनी है, वो आप मेरे को बताना। ठीक है, तो पहली बात तो मैं चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपलोड कर चुका हूँ,
इसके अकॉर्डिंग नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब ये वाला जो ये वाले फिलॉसफी ऑफ मेकिंग एट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो चैप्टर नंबर वन में जो जो है ना वो सारा अपलोड कर चुका हूँ, ये वाला जो है ये चैप्टर नंबर टू में और ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि एक बार चैप्टर के पार्ट, मैं आपको पता है पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ क्योंकि नोट्स बनाता हूँ तो हर टाइम लग जाता है, बाकी क्लासेस भी आपको पता ही है, तो अगर मैं पार्ट्स में बना रहा हूँ तो उसके बाद क्या एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सारे के सारे पार्ट्स को कंबाइन कर दूँ या खुद एक अलग वीडियो बनाऊँ फुल चैप्टर इन वन वीडियो, तो ये आप मेरे को बता देना, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ मैं MCQ भी अपलोड कर रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ हर चैप्टर के, जैसे कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वाले कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के किए, ठीक है। तो वो और एक और ये बात तो पूछनी है, इसके अलावा मेरे को टेस्ट के रिगार्डिंग भी पूछना। मैं सोच रहा हूँ कि मेन पॉइंट स्टडी का एक लाइव चैनल बना लूँ, मतलब एक अलग चैनल बना लूँ मेन पॉइंट स्टडी लाइव, क्योंकि इस वाले पे मैं लाइव नहीं आ सकता बार बार क्या आ ही नहीं सकता, थोड़ा सिक्योरिटी का इशू रहता है ना, दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ मेन पॉइंट स्टडी लाइव का एक चैनल बना लूँ। तो कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं कि वो टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है, मतलब लाइव टेस्ट होगा और कोई लेंथी लिखने वाला टेस्ट नहीं होगा, बेसिकली अभी तो यूनिट जो MCQ होता है उसी का टेस्ट होगा। तो ये आइडिया आपको कैसा लगता है ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और आई होप ये जो डाउट है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब अगर आप बाकी चैप्टर भी देख रहे हो तो पहले विनती है आपसे कि टॉपिक देखना, ठीक है, आप चैप्टर का नाम मत देखना, ये यूनिट नंबर वन है तो चैप्टर नंबर वन मत समझना, आप इसको टॉपिक भी देखना, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चलो जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।